नमस्कार, आप देख रहे हैं MSN न्यूज और मैं हूं आपके साथ विष्णु राठौर। और इस वक्त हम जनपद इटावा में मौजूद हैं, जहां आपको बता दें 9 मार्च को यहां पर सबसे बड़ा इटावा जनपद का जो सड़क हादसा है वो हुआ था। और यहां इटावा जनपद में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को मतदान खुल रहे थे, उसी समय इटावा जनपद में सबसे बड़ा सड़क हादसा हुआ था। ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये रोड जाता है मैनपुरी की तरफ और इधर बीच में आपको सैफई भी मिलेगा, और अगर इधर देखेंगे तो ये मैनपुरी से इटावा की तरफ जाता है। तो इटावा की तरफ से जो जसवंत नगर के जो राधिका स्टूडियो के जो लोग थे वो कार में सवार होकर के मैनपुरी की तरफ एक कार्यक्रम में जा रहे थे, उसी समय यहाँ पर वो सड़क हादसा हो गया था। और ये सड़क हादसा कुछ इस तरह हुआ था जो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी इतने दिन गुजरने के बाद भी यहाँ पर जो गाड़ी के जो कांच के जो शीशे हैं वो पड़े हुए हैं, और कहीं जूता है, कहीं चप्पल हैं, और जो गाड़ी टूटी थी उसके कुछ पुर्जे भी यहाँ पर पड़े हुए हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। पहले आप यहाँ सड़क पर ये देखिए, ये कांच के जो वो टुकड़े हैं जो कहीं ना कहीं जो कार में जो लोग सवार थे उस कार के जो ये शीशे हैं। और इधर आपको बताना चाहें कि मैनपुरी की तरफ से जो ट्रक था वो आ रहा था, और इटावा की तरफ से जो कार थी वो आ रही थी, उसमें जो जसवंत नगर के जो फोटोग्राफर थे वो सवार थे। और जब वो उधर से आ रहे थे तो उनका टायर जो था वो कहीं इसी साइड पर फटा हुआ था। उसके बाद जब उनका टायर फटा तो उनकी जो गाड़ी थी वो कहीं ना कहीं अनियंत्रित हो गई, और अनियंत्रित होने के बाद वो गाड़ी रॉन्ग साइड की तरफ चली गई, और जो ट्रक था वो इधर से आ रहा था मैनपुरी की तरफ से, तो कहीं ना कहीं उस ट्रक से टकरा गई वो कार। और जब कार टकराई तो इतना भयानक यहाँ पर सड़क हादसा हुआ जिसमें मौके पर ही 6 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई थी। 6 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई थी। उसके बाद बताया जाता था कि 4 लोग घायल हैं, जिनको आनंद फानन में सैफई के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां एक दो दिन के अंदर 2 लोगों की और मृत्यु हो गई थी, और बाकी लोग का जो इलाज है वो चल रहा था अस्पताल में। और हम आपको नज़दीकी से दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये जो गाड़ी के जो पार्ट हैं वो यहाँ पर टूटे फूटे यहाँ पर पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ जो कांच वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। और ये जो ट्रक है, देखिए इस तरीके से ट्रक जो मैनपुरी की तरफ से आ रहा था और यहीं पर वो सड़क हादसा हुआ था। और इटावा की तरफ से जो कार थी और उसमें जो जसवंत नगर के जो फोटोग्राफर थे वो सवार थे, और आप देख सकते हैं कितनी भयानक तरीके से यहाँ सड़क हादसा हुआ था। और भी हम आपको पास से यहाँ दिखाने का प्रयास करते हैं। इधर चलते हैं, इधर यहाँ देखेंगे तो कह सकते हैं यहाँ पर जो उसमें लोग सवार थे वो कहीं ना कहीं यहीं पर पड़े हुए थे। और यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो जूते हैं उनके यहाँ पर पड़े हुए हैं, देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरीके से जो इतने दिन गुजरने के बाद भी यहाँ पर इस तरीके से कांच बिखरा पड़ा हुआ है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जूता पड़ा हुआ है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए जो कार की जो गद्दी होती है उसका जो पीछे का जो हिस्सा था वो भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। और देख सकते हैं ज़मीन किस तरीके से, ज़मीन का जो रंग है वो बदल गया था। यहाँ पर जो कह सकते हैं लोग जो कार में सवार थे वो यहाँ पर पड़े हुए थे। और भी हम आपको कई सारी चीज़ें यहाँ दिखाने का प्रयास करते हैं। इटावा जनपद का सबसे भयानक जो सड़क हादसा था वो यहाँ पर इस हाईवे पर हुआ था। और इधर अगर आप देखेंगे तो जो कार का जो कह सकते हैं इंजन था वो इधर खेतों में जाकर दूर गिरा था जाके। उसके बाद यहाँ काफ़ी तेज़ी से हड़कंप मच गया था। इटावा जनपद में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस खबर को सुनकर सनसनी फैल गई थी। काफ़ी बड़ा हादसा था ये इटावा जनपद का। और ये आपने पुर्जे तो देख लिए, इस साइड अगर हम दिखाएंगे आपको तो इस साइड भी देखिए काफ़ी दूर दूर तक यहाँ देख सकते हैं आप किस तरीके से जो सड़क का रंग है ये बदल चुका है। यहाँ कहीं ना कहीं खून देखने के लिए मिल रहा था। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर आसपास चारों तरफ यहाँ कांच ही कांच नज़र आ रहा है, जबकि ये हादसा जो है वो 9 मार्च का था, और इतने दिन हो जाने के बाद भी यहाँ पर इस तरीके से कांच बिखरा पड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं ये भी एक हाईवे है जहाँ इतनी तेज़ी से ये हादसा हुआ, और गाड़ी जब अनियंत्रित हुई तो रॉन्ग साइड आ गई, और इस तरीके से ट्रक सामने से आ रहा था और ट्रक में जोरदार टक्कर हुई। टक्कर इतनी तेज हुई
कि जो कार के अंदर जो लोग सवार थे, फोटोग्राफर जो सवार थे, वो यहाँ पर पूरी तरीके से सड़कों पर बिखरे पड़े हुए दिखाई देने लगे। इतनी तेज ये हादसा हुआ, ये देख सकते हैं आप, ये मैनपुरी की तरफ ये जो रास्ता है इधर जाता है और इसी साइड से जो ट्रक है वो आ रहा था, और इटावा की तरफ से जो फोटोग्राफर है जसवंत नगर से आ रहे थे, और वो कार में 9-10 लोग सवार थे। उस समय ये हादसा हुआ और उनका जो टायर था उस गाड़ी का फट गया, जिसके कारण उनकी जो गाड़ी थी वो अनियंत्रित हो गई और तमाम तरह के अभी भी यहाँ पर पुर्जे पड़े हुए हैं। काफ़ी दुख भरी ये खबर थी पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि इटावा जनपद में ये सबसे बड़ा हादसा हुआ था। आप देख सकते हैं ये जो तस्वीरें थी मैंने आपको दिखाई, और ये वही लोकेशन है जिस जगह ये सबसे बड़ा हादसा हुआ था इटावा जनपद के अंदर, और अभी भी यहाँ पर जो पुर्जे हैं वो पड़े हुए हैं और कांच के जो टुकड़े हैं, शीशे हैं जो फूटे थे, वो भी अभी यहाँ पर पड़े हुए हैं। आप देख